हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रजनी लाइव ब्लॉग्स। और मैं हूँ रजनी। काम से मैं फ्री हो गई, किचन वाले काम से फ्री हो गई, मेहमानों को खिला दिया खाना। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी एक DIY, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो उसके लिए हमने लिया है ये एक फेबिकॉल, और ये है एक कार्टून है, ये एक छोटा सा, ये देखिए एक ये कार्टून है। और एक हमने ये हमारे पास पड़ी थी ये गिफ्ट रैप वाली ये पन्नी, ये तो हम इससे कोशिश करते हैं एक DIY बनाने की। तो देखते हैं, पहले ये जो कार्टून है ये नीचे से जो इस तरीके से टूटा है, इस तरीके से यहाँ पे ये, तो मैं सबसे पहले इसमें लगाऊंगी अच्छे से टेप कई जगह, ताकि इसकी जो नीचे का हिस्सा जो है मजबूत हो जाए। अच्छे से इसमें कई जगह से टेप लगाऊंगी पहले। और ये हमने नीचे बिछा लिया है एक पेपर, ताकि हमारा ये जगह जो है गंदी ना हो, जहाँ हम बनाएंगे वहाँ पे गंदा ना हो। तो एक हमने ये न्यूज़पेपर जो है ये बिछा लिया है। और अब इसको देखिए, हमने ये अच्छे से चिपका ली है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा था अच्छे से मजबूत कर दिया है। ये देखिए, हमने फेविकॉल से चिपका दिया है, अंदर से एक पेपर लगा दिया है, अच्छे से खूब चिपका दिया है। और अब हम इसको जो है, जो गिफ्ट वाली हमारी जो ये है गिफ्ट रैप वाली पन्नी, इससे हम अब इसको अच्छे से चारों तरफ से कवर करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से प्रेस करते हुए, फिनिशिंग देते हुए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छे से फिनिशिंग भी आए। तो इस तरीके से हम इसको चिपकाएंगे ऐसे फेविकॉल से, इस तरीके से। इस तरीके से फेविकॉल हम अच्छे से लगा लेंगे, जितना अच्छे से हमारी पन्नी चिपक जाएगी उतनी अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और मजबूती भी उतनी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम इसको कोशिश करते हैं चिपकाने की। ऊपर ये हिस्सा जो है हमारा, अब इस पे भी हम फेविकॉल लगाएंगे। तो ये देखिए, ये एक साइड जो है हमारी कवर हो गई है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी अपनी पहले कवर करना है। तो इसी के सामने वाली साइड जो है ये वाली, तब हम ये साइड हम बाद में लेंगे, पहले यही वाली साइड हमको करना है जो अभी की है, उसके
अपोजिट वाली, उसके साइड वाले बराबर वाली वही करना है हमको पहले। तो उसी तरीके से हम इसको भी पहले कर लेते हैं और इसके नीचे भी अच्छे से फेविकॉल लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए चारों तरफ से, कहीं भी उठी ना रहे और कमजोर नहीं रहे। अच्छे से चिपक जाएगी तो हमारी अच्छे से मजबूत भी हो जाएगी। तो हम ये तली जो है इसकी, इस पे भी अच्छे से लगा दे रहे हैं। अब इसको हमें ऐसे करके ऊपर लाना है। तो ये देखिए दो साइडें हमारी कवर हो गई हैं, एक ये और एक ये, और ये नीचे से भी देखिए अच्छे से हो गई है। अब हमें ये साइड वाली करना है, तो साइड वाली को भी हम ये देखेंगे कि बस फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो इस तरीके से हमें करना है कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। तो ये देखिए साइड में हमें इस तरीके से इसका कोना बनाना पड़ रहा है इस तरीके से, और ये ऐसे हमें ले जाना है ऐसे, और इस तरीके से हमें ले जाकर ये अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए तो कोना भी बन गया हमारा अच्छे से, और अब हमको यहाँ पे अच्छे से इसको चिपका देना है। ये देखिए ये कोना भी हमारा अच्छे से बन गया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा कोना बन गया। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से जो है बना लेने हैं कोने। तो ये देखिए ये भी हमारी साइड बन गई है। इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग कम आई है, पर ये बहुत अच्छे से देखना मजबूत बहुत अच्छे से हो गई है। और ये साइड देखिए कितनी एकदम फिनिशिंग आई है, और इस साइड में भी देखिए एकदम कितनी बढ़िया से फिनिशिंग आई है। ठीक है, अब ये एक साइड जो बची है इसको भी हम अच्छे से इसी तरीके से रैप कर लेते हैं, पहले कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से बाहर से हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। ये देखिए अच्छे से कवर हमारा हो चुका है, और इस साइड में सब जगह फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। बस थोड़ा सा इस साइड में गड़बड़ हुई है, और इधर देखिए इधर फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और ये जो है लगा था इसमें तो मैंने हटाया नहीं, लगाई छोड़ दिया। अब आती है अंदर की बारी, तो अंदर हमको देना है फिनिशिंग। तो अंदर हम क्या करेंगे, अंदर हम एक पेपर लेंगे, क्योंकि ये पिन्नी इतनी ही बड़ी थी, तो अब हम पेपर लेंगे और पेपर से अंदर कवर करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा बहुत ही सुंदर सा एक DIY तैयार। ये देखिए अगर यही पिन्नी जो है थोड़ी सी और बड़ी होती, जो अंदर तक आ जाती, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती, और अंदर जो है अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर देंगे अच्छे से चारों तरफ से ऐसे। और देखिए कितना अच्छा हमारा ये जो है हुआ है तैयार। बस ये इसका ध्यान देना है कि अच्छे से चारों तरफ से चिपकाना है, और किसी से भी चिपका लीजिए। मेरे पास ये फेविकॉल जो है ना बचा हुआ पड़ा था, हमारे यहाँ लकड़ी का काम हुआ था,
तक का ये जो है पड़ा था, तो मैंने इससे चिपका दिया है। आप और किसी से भी चिपका सकते हैं, है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा DIY तैयार हो गया है। और ये देखिए इसमें ये फ्लावर लगा था तो मैंने इसको हटाया नहीं। और तो देखिए कितना अच्छा हमारा DIY तैयार हुआ है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी, है ना। मैं इसको क्या यूज करूंगी, किस यूज में इसको लाऊंगी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसको पहले फेविकॉल को यहाँ से हटा देती हूँ, और तो ये मैं फेविकॉल रख के आती हूँ और तब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या यूज करूंगी। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें कहाँ जरूरत है और हमें किस तरीके से यूज करना है। मैं इसको जो है ये आपका, मेरे पास पर्स जो है कई हैं, है 6-7 हैं, तो बाकी जो है हैंग किए हुए हैं मैंने अलमारी में, कवर में। और ये जो है ना हैंग वहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, तो देखिए मैं इसको रखूँगी। ये देखिए तो ये आराम से हमारे इसमें आ जाएंगे। ये देखिए, और एक ये रख दिया और एक हमने ये रख दिया, तो क्या है हमारे मतलब जो है एकदम सेफ रखे रहते हैं और झट से निकाल लो। तो ये देखिए मैंने इस यूज के लिए ये तैयार किया है। ये देखिए कैसा लगा आपको हमारा DIY, तो जरूर बताएं कमेंट करके। और बनाना तो मुझे एक और था आज, पर आज नहीं बना पाऊंगी क्योंकि एक मुझे और बनाना था आज, तो उसको अब नहीं बना पाऊंगी क्योंकि टाइम काफी हो गया है और मेहमान हैं घर में, तो मुझे काम मतलब करना है, और इसलिए अब आज इतना ही एक ही बनाया है मैंने। और वैसे बनाना तो मुझे और भी था, तो कई दिन से जो है मुझे बनाना की सोच रही हूँ पर नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो काफ़ी दिन से तबीयत भी लूज थी और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज रही अभी 2-3 दिन से, और इधर थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा रही, तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मेरा ये DIY कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे और बनाने हैं तो मैं फिर बनाती हूँ जल्दी, देखती हूँ जब टाइम मिलता है कल या परसों, क्योंकि अभी फिलहाल मेहमान है तो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको वीडियो बनाना भी मुझे लगता है नहीं पसंद है, तो मैं उनके सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो अभी नहीं है। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा अपना सूट कर लेती हूँ, DIY बना लेती हूँ। मेरे पर्स ये जो है ऐसे पड़े थे, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, हैंग हो नहीं पा रहे थे, और बाकी तो हैंग किए हुए हैं मैंने। और तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे करना है काम, काफ़ी पड़ा है। और फिर मिलती हूँ और जल्दी से, और फिर एक नया DIY मुझे बनाना है, मेरे दिमाग में पहले से चल रहा है, वो मुझे ज़रूरत है उसकी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।